नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक के बारे में। बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही है वेदांता के लिए। क्या है खबर, कितना इंपैक्ट होगा और कितनी तेजी आ सकती है इस स्टॉक में, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो खबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टॉक का जो खराब समय स्टार्ट हुआ था ना, वो इस प्रकार की न्यूज़ के साथ ही हुआ था। बेसिक क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, स्टॉक अराउंड 270 पे ट्रेड करता था। पहले प्रमोटर्स ने बेचा तो 256 आया, और उसके बाद न्यूज शुरू हुई थी जो अभी पॉजिटिव हो रही है, उस समय नेगेटिव हुई थी और स्टॉक टूटकर आया था 220 तक, जहां पे मैंने आपसे कहा कि ये ड्रीम लेवल है खरीदने का। यहां पे जरा भी मत सोचिए, लेके बैठ जाओ। वेदांता 220 रुपए पे आपको मिल रहा है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये चीजें दिख रही हैं, जो ये नेगेटिविटी है, शॉर्ट टर्म है, टिकाऊ नहीं है, और ये जैसे ही खत्म होगी शेयर शूट करेगा। आज ये स्टॉक 450 रुपए पे खड़ा है, 440 रुपए पे QIB खरीदारी कर रहे हैं, और आप लोगों का भरोसा भी पूरा बना हुआ है। रिसेंटली स्टॉक ने 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। अगर उसे एडजस्ट कर दूं मैं तो 474 की इस स्टॉक की आप कह सकते हैं क्लोजिंग आई है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, अदरवाइज 454 रुपीज पे। खबर पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी एक लंदन बेस्ड कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो कि वेदांता ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। अगर आप वेदांता को केवल ये सोचते हो कि वेदांता लिमिटेड यानी कि खत्म, नहीं, वेदांता बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इनकी पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज जो कि लंदन बेस्ड है, उसके बाद वेदांता है, और वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। तो बहुत बड़ा साम्राज्य है आप ये कह सकते हो वेदांता ग्रुप का, इसीलिए मैं इस पर बुलिश था, काफी बुलिश था। मेरा मानना ये था कि वेदांता शुरू से ही फंड रोटेट करता रहता है, ऐसा नहीं हुआ कि ये पैसे को मार लेंगे इन्वेस्टर्स के या कुछ होंगे। रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया था दोस्तों, उस समय मूडीज ने अपनी रेटिंग घटाई थी कि वेदांता रिसोर्सेज पे जो ये पैसा है उसकी मैच्योरिटी आ रही है, टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे कर। उसके बाद स्टॉक टूटा था कि पैसा नहीं दे पाएंगे, दिक्कत है, पैसा नहीं है, और स्टॉक टूट रहा था आपके लिए। लेकिन अभी फाइनली वही मूडीज 220-250 रुपए पे नेगेटिव रिपोर्ट निकालते हैं, और आज मूडीज ने पॉजिटिव चीजें कही हैं। मूडीज ने रेटिंग को कर दिया है दोस्तों अपग्रेड। जी हाँ, उस समय उन्होंने नेगेटिव की रेटिंग दे दी थी, और अभी नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल की रेटिंग दी है। तो पहला और बड़ा पॉजिटिव तो यही है, क्यों, देखो मूडीज वही थे जिन्होंने ने डाउनग्रेड करा था, स्टॉक टूटा था, अब मूडीज ही अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर पॉजिटिविटी तो आना बनती है। दूसरी बात, इन्होंने जो वेदांता रिसोर्सेज है उसके CFR को CAA1 की रेटिंग दी है, और बॉन्ड्स को CAA2 की, और आउटलुक को चेंज करा है स्टेबल पे। तो ये काफी पॉजिटिव मानूंगा मैं वेदांता के लिए, और इसी के दम पर मेरा मानना है कि वेदांता में आप 500 रुपए की जर्नी तैयार करने के लिए तैयार रहिए। वेदांता पे मैं ऑलरेडी काफी बुलिश रहा हूं, अभी टेक्निकल टर्म्स पे उतना मजा नहीं आ रहा है जितना हमें चाहिए। स्टॉक हो सकता है आपके लिए दोबारा करेक्ट हो जाए, बट 440 से 460 480 के टारगेट्स तो हो चुके हैं आप कह सकते हो, क्योंकि 454 की क्लोजिंग है, 20 रुपए का डिविडेंड है, तो 470-475 तो हो ही चुका है स्टॉक। 500 की बात करें तो हो सकता है थोड़ा बहुत समय ले ले, या हमें भी हो सकता है हो ही जाए, लेकिन इस बीच में इतना जरूर कहूंगा कि वेदांता में डिप जो आया अगर कोई, तो वो लेने का ही मौका होगा, बेचने का मतलब नहीं बनता है वेदांता को। तो ये तो होगी दोस्तों वेदांता के बारे में बात, सारी की सारी डिटेल्स। अब मेटल्स के बारे में बात करना चाहूंगा आपको। मैं याद दिला दूं, सितंबर शुरू होने से पहले अगस्त के एंड में मैंने कहा था कि टाटा स्टील में भी स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है सितंबर के लिए। टाटा स्टील ने, अगर आप 3 महीने के चार्ट्स पे देखो, कंटिन्यू लोअर लोस की फॉर्मेशन जो चल रही थी, 146 का लो लगाया 14 अगस्त को, एक रिकवरी मारी 155 तक, और उसके बाद दोबारा गिरा अराउंड 11 सितंबर को 148, और दोबारा ऊपर आ रहा है। तो डबल बॉटम टाइप फॉर्म कर रहा है, लोअर लोस के चार्ट पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, ये हो सकता है स्टॉक आपके लिए 165 तक जाता हुआ दिखे। तो टाटा स्टील टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्टॉक में 148 या 146 का SL लगाइए अगर किसी पे ट्रेडिंग पर्पज से पोजिशन है तो। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 146-148 आपकी मर्जी है, टारगेट 165-168 तक के निकल के आ सकते हैं टाटा स्टील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉपर के दामों में अच्छी उछाल देखने को मिला है, दो हफ्तों के उच्चतम स्तर पे है, क्योंकि आपका ये जो चाइना है वहाँ पे वापस से डिमांड लौटते हुए दिख रही है। तो हिंदुस्तान कॉपर का शेयर हम कैसे छोड़ सकते हैं,
314 पे है, वैसे ही मेरे को ये काफ़ी पसंद आता है स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 280-270 पे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ लेने के लिए। मैंने 220 रुपये पे भी कराया, हालांकि वैल्यूएशन मेरे को उतना कंफर्ट नहीं देते हैं। 84 के पी पे दिखता है ये स्टॉक, बस यही दिक्कत है, बाकी तो सब अच्छा है। मेरे को लगता है स्टॉक अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो ज़्यादा खराब नहीं हो रहा है। चार्ट अभी भी स्टिल नीचे में सपोर्ट लेता है और ऊपर उछाल देता है, तो अराउंड 325-340 के टारगेट्स के लिए आप हिंद कॉपर में भी प्ले कर सकते हैं, एक छोटा मोटा अपने अकॉर्डिंग SL प्लेस कर। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स थे मेटल स्टॉक्स जो एक्शन में हो सकते हैं आपके लिए देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।